एसी वगैरह चलाते हैं क्या आप? एसी पे रखा हुआ है, एसी पे रखा है, बल्कि यहाँ से तो गर्मी निकलती होगी, यहाँ से तो हीट ही निकलती है। सर्दियों में बचा लेता है, ओस पड़ती नहीं इन पे जी, और बारिशों में पानी से बचा लेता है, और गर्मियों में जो सनलाइट थी वो मिल रही है उसको छनके दे रहा है। और मतलब जब हमारा ऑफिस का टाइम होता है 9 से 10 बजे जाने का, तभी ये खुलता है। ये 40 ईयर्स पुराना बर्ड है, 40 साल पुराना। हाँ, और जो हम अगर इधर बैठे हैं या कुछ करें तो हमें पूरा खुलेपन का एहसास रहे। मेरे दिमाग में जो थीम हमेशा से रही है वो ये रही है कि मुझे हर चीज़ में सिमेट्री चाहिए होती है। तो अगर आप देखें ना तो हर मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सब कुछ सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, और सर पॉट्स के कलर भी एक हैं, तो उसकी वजह से क्या है आँख को एक सूदिंग इफेक्ट लगता है। अब जैसे गमलों का कलर भी देखिए, तो मैंने वो एक अर्दी जो अपना टेराकोटा कलर होता है नॉर्मल, वो ही यूज़ किया है ताकि वो एक नेचुरल इफेक्ट रहे, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए कुछ भी, तो उस हिसाब से। और दूसरा क्या है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपको नीचे बताया था कि मैंने अपनी कोशिश करता हूँ कि प्लांट्स को स्टैंड पे रखूँ, तो उससे क्या साफ सफाई का भी आसानी हो जाती है, हाइजीनिक भी रहता है। और सबसे दूसरी सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होता है, अगर आप स्टैंड पे पॉट रखते हो तो जो नीचे पॉट होल होता है उससे चींटियाँ और ये सब चीज़ें, नहीं तो अगर ज़मीन पर पड़ी जाती हैं तो मॉइस्चर मिलता तो चींटियाँ अंदर घुस जाती हैं जी, और वो जाके आगे आपके रूट को, प्लांट के रूट को डैमेज कर देती हैं, और उससे प्लांट्स सड़ भी जाते हैं। और यही अगर आप स्टैंड पे रखते हैं तो स्टैंड की रूट्स को नीचे से भी हवा मिलती है, एरिएटेड रहते हैं, और आपका जो ये चींटियाँ और इंसेक्ट्स का जो खतरा होता है वो भी कम हो जाता है। राइट, तो ये बहुत ही अच्छा सर ने आपको बताया कि अरेंजमेंट का भी एक रीज़न है और बेनिफिट भी हैं, ये दोनों चीज़ें ही आपको बता दी। सर, आपका अडेनियम का सॉइल मिक्स कैसा होता है? अडेनियम भी वही जैसे कैक्टस है उसी तरह अडेनियम भी उसी नेचर का ही पौधा है जी, कि वो भी एक डेजर्ट, हम डेजर्ट रोज कहते हैं उसको, तो वो भी एक डेजर्ट प्लांट है, तो उसके भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है जैसे कैक्टस होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि उसमें भी नॉर्मल सॉइल यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी भी नॉर्मल सॉइल ना यूज़ करके उसमें ऐसी सॉइल मिक्स बनाते हैं अपन कि उसमें पोरोसिटी बहुत रहे, तो इसलिए उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रहती है, या फिर पत्थर जो अपनी ईंट आती है उसके ग्रेट्स, कोयला का क्या फ़ायदा रहता है कि कोयला एक तो मिट्टी को ठंडा रखता है, प्लस जो आप जो न्यूट्रिएंट्स या जो फर्टिलाइजर्स डालते हो ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, तो वो एब्जॉर्ब करके वो जो आपको जड़ों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सप्लाई करता रहता है। जब जब आप पानी डालते हो कोयला भीगता है और वो जितना भी फर्टिलाइजर उसने सो किया होता है वो धीरे धीरे ड्रेन आउट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो पोरोसिटी भी बन जाती है, मॉइस्चर भी हमें कंट्रोल में रहता है, और प्लांट्स को फर्टिलाइजर भी टाइमली मिलता रहता है। तो इसलिए कोयले का इस्तेमाल जरूर करें अपने अडेनियम में। ब्यूटीफुल। इसी के साथ सर एक लास्ट क्वेश्चन अडेनियम के लिए, सर्दियों में और बरसातों में अडेनियम जो हॉबिस्ट हैं वो थोड़ा सा उनके लिए चिंता का समय होता है कि उस टाइम पे पौधा मरना वो प्लांट के साथ साथ हमारे लिए भी ट्रॉमा का पीरियड होता है। रीज़न भी कि अडेनियम जो है बहुत ही मतलब इस सीज़न में बहुत ही डेलिकेट हो जाता है। राइट, क्योंकि क्या उसको पानी से उतना पानी भी नहीं चाहिए होता, तो बारिशों में उसको बारिश से बचा के रखना पड़ता है अपने को, ताकि वो भीगे ना। भीगेगा ज़्यादा टाइम तक पानी में रहेगा तो रूट रॉट होने का खतरा रह जाता है। और सर्दियों में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड होता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, तो उससे इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं और प्लांट शॉक में आ जाता है जी। तो उस वजह से क्या उस टाइम पे आप उसको कोशिश करिए कि किसी शेड के नीचे जहाँ पे लाइट उसको मिले, जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं कि ये शेड है जी। तो ये इसमें क्या है, पानी और धूप मतलब का बचाव है, बट रोशनी पूरी आ रही है, आप रोशनी पूरी उसके नीचे खड़े हैं। राइट, तो ऐसा शेड बनवाएं जो कि रोशनी पूरी दे और पानी से प्रोटेक्ट कर ले। मतलब ये बारिश में भी बचा लेता है, ओस में भी बचा लेता है, सर्दियों में भी बचा लेता है, ओस पड़ती नहीं इन पे जी, और बारिशों में पानी से बचा लेता है, और गर्मियों में जो सनलाइट थी वो मिल रही है उसको छनके दे रहा है। वाओ, प्लस क्या ये आजकल ऐसी शीट्स आ गई हैं जो कि यूवी प्रोटेक्टेड रहती हैं, कोटेड रहती हैं। अच्छा, तो वो रेडिएशन का भी आपको फायदा मिल जाता है, पौधों को रेडिएशन भी नहीं मिल रहा। हाँ। जबरदस्त, तो बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड, ये हो गया अडेनियम का। लेकिन सर के गार्डन में अभी ढेरों चीज़ें हैं दिखाने के लिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ढेरों प्लांट नज़र आ रहे हैं, अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं। तो सर आप जो बचे हुए पौधे हैं आपके गार्डन में, मैं वो देखना चाहूँगा, प्लीज़ वो दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। आइए जी, सबसे चौंकाने वाली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये आपसे आप देख सक रहे हैं, सक्यूलेंट है। सक्यूलेंट आप जानते हैं कि पहाड़ों का, सर्दियों का,
जी पौधा है, जहाँ पर ठंड पड़ती है वहीं ज़्यादातर सक्यूलेंट्स होते हैं। सर मैं अपने चैनल पे देहरादून सीरीज़ कवर कर चुका हूँ और वहाँ पे अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा सक्यूलेंट को बिल्कुल लोगों को प्रोपोगेट करते हुए ग्रो करते हुए पाया है। और मैं ये भी देख पाया हूँ कि वहाँ पे पूरा साल सक्यूलेंट चलता है क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। बिल्कुल तो उनकी बालकनी में दस दस साल पुराने भी सक्यूलेंट्स लटके हुए हैं हैंगिंग के अंदर। लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात मुझे भोपाल में आपके गार्डन में देखने के लिए मिली है। अभी मई मंथ चल रहा है, हम मई मंथ में शूट कर रहे हैं फ्रेंड्स और 10 तारीख निकल चुकी है, आज 12 तारीख हो चुकी है और गर्मी जो है 40 डिग्री यहाँ पर रहती है और दिन में तो मुझे दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए सकुलेंट जो है इनके बिल्कुल फ्लावरिंग कर रहे हैं और रेडिश जो कलर होता है सकुलेंट में विंटर के टाइम में वो आपको नज़र आ रहा है और सारे के सारे सकुलेंट जो है वो पूरे खिले हुए हैं, पूरा जो पॉट है भरा हुआ है। कहीं सर, से भी शॉट नजर नहीं आएंगे यहाँ पे। क्या एसी वगैरह चलाते हैं क्या आप? नहीं, एसी पे रखा हुआ है, एसी पे रखा है, बल्कि यहाँ से तो गर्मी निकलती होगी, यहाँ से तो हीट ही निकलती है जी। तो ये क्या चक्कर है, कैसे आपने सक्यूलेंट को भी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये कुछ हद तक गर्मी सह लेते हैं जी, बट मेन चीज है कि एरिएटेड होनी चाहिए जगह, हवा खूब भरपूर आ रही हो और लाइट मिल रही हो उनको। ओके, तो इस वजह से देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी छत पे खुला हुआ है बट शेड है पूरा, तो उस वजह से इनको डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है ये सड़ जाएगा, जल जाएगा पौधा जी, जल जाता है। नॉर्मल पत्तियां भी जल जाती हैं तो इसीलिए इसका बेनिफिट यही है कि बस। हाँ, दूसरा ये है कि इसको सुबह शाम में हल्का पानी का छिड़काव कर देता हूँ ठंडा रखने के लिए। वाह। और एक चीज़ और मैंने इसमें एक्सपीरियंस की है वो ये है कि मैं इनकी जड़ों में नीम की खली डाल देता हूँ थोड़ी थोड़ी। अच्छा, गर्मियों में भी? गर्मियों में भी बहुत हल्की सी, तो उससे क्या है कि एक जो इनको क्लाइमेट से लड़ने की जो ताकत होती है ना वो मिल जाती है, वो मिल जाती है। ये इसका राज है, इसका राज है। ज़बरदस्त। तो फ्रेंड ये तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो आपके भी अब सकुलेंट नहीं मरेंगे, जैसा सर ने आपको बोला है वैसा आपको करना है और अपने पौधों को बचाना है। उसके अलावा सर काफ़ी सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपके गार्डन में है, तो आप इसकी प्लीज़ बातें करें और हमारे व्यूअर्स को सिखाएं किस तरह से इस तरह के पौधे भी गार्डन में लगाए जाते हैं। हाँ जी, अब जैसे आप देखिए ये है केना का प्लांट जी, केना लिली। हाँ, केना लिली, तो ये भी आप यकीन नहीं मानेंगे ये भी मैंने सीड से खुद ग्रो किया हुआ है। ओहो। और केना लिली का सीड इतना हार्ड होता है कि उसको जर्मिनेट करना इट्स इज अ टास्क। वाह। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास आगे भी एक केना लीफ का प्लांट है जिसमें सीड्स आए हुए हैं। अच्छा, कि उसको कैसे अपन जर्मिनेट कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहें, आगे आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा, पहले हम प्लांट पे बातें करते हैं। हाँ जी, उसके आप देखिए आगे एक कोलियस लगा हुआ है। अब देखिए क्या एक कोलियस का ये सीज़न नहीं है क्योंकि क्या गर्मियां हैं तो गर्मियों में प्लांट थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और लेगी होने लग जाता है जी। बट मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है अभी इसको किसी तरह ये एक दो महीने निकाल लें ये जी, और फिर जैसे ही बारिशें आएंगी तो ऑटोमेटिकली अब मैं इनकी कटिंग से ही इनको दोबारा से रीग्रो कर लूँगा। वाओ। तो फिर क्या है कि वो ऑटोमेटिकली मेरा वो प्लांट बुशी हो जाएगा और इस एम्बियंस में और इस क्लाइमेट में तो सेट है ही है वो जी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी आगे ग्रो करने में। आगे चलते हैं, ये फॉक्सटेल है इधर लगा हुआ है, बहुत बुशी है। हाँ देखिए, ये भी क्या है, ये है फॉक्सटेल के लिए तो उसका फेवरेट क्लाइमेट चल रहा है अभी जी, गर्मियाँ उनके लिए। ऊपर पोर्टुलिका लगे हुए हैं ये सब। अरे वाह, ज़बरदस्त, पोर्टुला का लगे हैं, फ्लावरिंग लगभग शुरू हो चुकी है, शुरू हो गई है, अभी थोड़ा बस जैसे दिन बढ़ता जाएगा हाँ हाँ तो ये और फूल खिलते जाएंगे। जैसे येलो है, मिक्स्ड है, ये पिंक है, वाइट है, ऑरेंज है। nice. अब पोर्टुलिका को हम लोग इसीलिए ऑफिस टाइम भी बोलते थे जी जी जी, और मतलब जब हमारा ऑफिस का टाइम होता है 9 से 10 बजे जाने का तभी ये खुलता है जी, और जब तक हम लौट के आते हैं तब ये बंद हो जाता है जी। इसी तरह से फ्रेंड बात हो रही थी ऑर्गेनाइज करने की, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्लांट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है। सर किस किस तरह के पौधे लगाए हैं यहाँ पर? ये देखिए करोटन लगा है मेरे पास, इधर लेमन ग्रास लगी हुई है। मुझे लेमन टी पीने का शौक है तो यहीं से ही मैं अपनी लेमन ग्रास की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता हूँ जी। और ये मेरा वाइट बेम्बू है ये। वाह, ज़बरदस्त। ये यहाँ पे मैंने जीनिया लगाया हुआ है। बच गया आपका जीनिया अभी तक? हाँ, अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए इधर गर्मियाँ हैं तो मैंने ये जीनिया छोटा वाला वेराइटी है, मिनी जीनिया जी जी, ये देखिए बीज डाले थे, ये सब बीज से पौध तैयार किए खुद ही घर पर ही। वाह, इधर भी उधर भी आगे भी और इधर बीच में पोर्टुलिका लगे हुए हैं। ब्यूटीफुल। और अगर आप ध्यान दिया हो ये मेरी इधर साइड में जो चल रही है दीवार के साथ साथ, इधर तो ध्यान ही नहीं दिया, ये मेरी पूरी कैक्टस और सक्यूलेंट्स की नर्सरी है, मतलब यहाँ से मैं उनको ग्रो करके
अच्छा मेन उसमें ले जाता हूँ। वाओ, और स्पेस को देखिए फ्रेंड किस तरह यूज किया है, ये स्पेस इनका बच गया था हाँ। तो बीच में एक छोटा सा स्पेस और बना दिया इन्होंने, एक लोहे की उसमें स्ट्रिप लगवा के मैंने रखे उसके ऊपर ही सारे। तो गार्डनर्स को तो जितनी जगह मिल जाए उतनी एग्जैक्टली बस, तो गार्डनर के दिल में तो बहुत जगह होती है, घरों में कम हो जाती है, घरों में कम हो जाती है राइट। यहाँ पे देखिए बर्ड भी लगाया हुआ है, जबरदस्त है सर। कितना पुराना है ये? हाँ जी, ये 40 ईयर्स पुराना है बर्ड है, 40 साल पुराना। हाँ, बीच में थोड़ा सा ये क्या मुझे निग्लेक्टेड हो गया था। अच्छा। क्योंकि मैं बीच में बाहर ट्रांसफर हो गई थी मेरी, तो मैं बाहर चला गया था जी। बट अब आप देखें इस वक्त कितना बिल्कुल हेल्दी लग रहा है वो, उसके पत्तियाँ, और देखिए यहाँ पे पत्तियाँ तो उसकी उसके साइज के हिसाब से ही आ गई छोटी छोटी, और जड़ भी उसकी बिल्कुल पूरा मैच्योर लुक दे रही है। और देखिए एक जो छुपा रुस्तम है इनके गार्डन का वो यहाँ पर है, अभी हमें कहीं भी जेड नहीं दिखा था, तो फाइनली जेड भी दिख गया सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितना पुराना है? हाँ, बोनजा है, ये है 8 साल पुराना। वाओ, ये देखिए फ्रेंड नीचे से जड़े देखें इसकी, 8 साल पुराना है और बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है। सर जेड प्लांट के लिए क्या कहना चाहेंगे व्यूअर से? जेड भी क्या है, इसको डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा पसंद है, और एरी एरी तो रहना ही चाहिए सब कुछ जी, क्योंकि जहाँ अगर एरी नहीं रहेगा तो प्लांट को मतलब ऑटोमेटिकली हवा नहीं लगेगी तो वो सड़ जाता है, सूख जाता है। तो ऊपर से जैसे ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है तो इसको भी NPK अगर आप देंगे जी तो ये उसी में खुश रहेगा, ज़्यादा और कुछ आपको उसके साथ भी फिडल करना, इजी ग्रोइंग प्लांट है। अच्छा, जैसे आपने सिंगोनियम के लिए बताया था। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स अगर आपने सर की पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आपने मिस कर दिया है काफ़ी कुछ, क्योंकि सर की बगिया सिर्फ यहीं पर ही नहीं है, नीचे भी है, बालकनी में भी है, एंट्रेंस पे भी है, हर जगह पौधे ही पौधे हैं, और शौक बहुत सारे हैं। पेंटिंग का भी शौक़ है, साइकिलिंग का भी शौक़ है, तो पिछली वीडियोस आप ज़रूर देखिए, और आज की तो आप देख ही रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सर ये जो सेक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त है, ऊपर मैं देख रहा हूँ आपने इसको शेड अलग से दिया हुआ है। एग्जैक्टली। फाइबर का शेड दिया हुआ है शायद। हाँ जी। तो इसके बारे में बताएं, यहाँ पे किस तरह से आपने ये सब चीज़ें सोची बनाई? मैं देख रहा हूँ स्टैंड्स भी बनवा रखे हैं यहाँ पर आपने। एग्जैक्टली। क्या देखिए आप अगर देखेंगे तो मैंने पूरी छत अपनी इस मेन शेड से कवर नहीं करी है जी, आधी करी है। आधी करी है, वो उसका रीज़न ये है कि देखिए मुझे तो मेन जो शेड भी बनवाना पड़ा वो अपने अडेनियम्स और कैक्टस की वजह से बनवाना पड़ा। अच्छा। क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना था, और दूसरा क्या मुझे लगता था कि पूरा शेड बनवा दूंगा तो सफोकेटेड हो जाएगा एरिया, अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ, अब मुझे क्या, मुझे ये था कि अभी ये तो गर्मियाँ हैं जब मुझे शेड की इतनी ज़रूरत है, उसके बाद बाकी सीज़न जो है सर्दियाँ अगर बारिशें उनमें तो खुले में बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे उसको आधा रखा है। और प्लस इधर दीवार की तरफ इधर शेड इसलिए बनवा दिया मैंने छोटा सा कि ताकि जो यहाँ पे जो दीवार पे प्लांट्स रखे हुए हैं उनको बस वो प्रोटेक्शन मिल जाए, और जो हम अगर इधर बैठे हैं या कुछ करें तो हमें पूरा खुलेपन का एहसास रहे। अब इसको जर्मिनेट करने के लिए क्या करना होता है कि आपको इसमें आपको देखना होता है, इसके एक हेड होता है वाइट कलर का, डॉट सा दिखता है आपको, बस मेन चीज़ यही देखना है उसको, ओवर वाटरिंग बोगनवेलिया भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब भी आप यूज़ करेंगे तो आप निश्चिंत होकर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए जी, तो आपको डर नहीं रहता है। बताया कि आप फिजिकली बहुत अच्छे से फिट हैं, और उसका रीज़न है गार्डनिंग, साइकिलिंग और पेंटिंग भी है, पेंटिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, योगा भी करते हैं।